हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है होंडा यूनिकॉर्न में चेन को किस तरीके से टाइट करें। आप देख रहे हैं ये सडवाइज, मेरा नाम है समीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ये सडवाइज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए 122 की रिंग चेन को टाइट करने के लिए। तो दूसरे नंबर पे आता है, आपको चाहिए 32 का स्पैनर, 30 और 32 का स्पैनर। तीसरे नंबर पे आता है 12-13 की रिंग, और चौथे नंबर पे जो आता है वो है 10-11 का स्पैनर। तो पांचवे नंबर पे है, आपको एक चेन का स्प्रे बाय करना होगा। वो स्प्रे आपको आपके नज़दीकी स्प्रे पार्ट्स की दुकान में मिल जाएगा और आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। ये आपको पड़ेगा 180 रुपीज़ का। तो चलिए आपको इसकी MRP दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलिए किस तरीके से इसको करते हैं आपको बता देता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं बाइक के पास, आप देख सकते हैं चेन को टाइट करने के लिए और चेन को स्प्रे करने के लिए। सबसे पहले आपको इस लबर को निकाल लीजिए आप। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं जो हमारी चेन है बहुत लूज़ है। और चेन को टाइट करने के लिए और चेन को स्प्रे करने के लिए ये वाला बोल्ट ओपन करना होगा और ये वाला बोल्ट ओपन करना होगा। इससे क्या होगा, आपका जो चेन कवर है वो ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए जाइए आपको 10 के स्पैनर से दोनों बोल्ट को आपको ओपन करना होगा। तो चलिए दोनों बोल्ट को ओपन करते हैं अभी। तो आप देख सकते हैं हमारा एक बोल्ट ओपन हो चुका है। तो चलिए इस बोल्ट को पूरी तरीके से ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बोल्ट ओपन हो चुका है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा बोल्ट, दूसरे बोल्ट को भी ओपन कर लेते हैं। ओपन करके पूरी तरीके से इसको खोल लेंगे। तो ये बोल्ट भी खुल चुका है। तो चलिए अब हम चेन कवर को निकालते हैं। अभी चेन कवर को निकालना बहुत ही आसान है। बस आपको यहाँ पे एक लॉक दिया होगा ऊपर की चेन कवर में, बस आपको नीचे का जो चेन कवर आप ओपन करें उसको नीचे की तरफ खींचना है, वो आ जाएगा बड़े आराम से। तो आप देख सकते हैं ये है ये होंडा यूनिकॉर्न का चेन कवर। और दूसरी बाइक होगी तो उसमें अदर्स दूसरी बाइक में तो दूसरा चेन कवर आता है। तो चलिए अब आपको मैं बता देता हूँ चेन जो है कितनी लूज़ है। आप देख सकते हैं चेन थोड़ी सी लूज़ है हमारी अभी। तो आप देख सकते हैं चेन में मिट्टी लग रही है, और मैंने लास्ट टाइम चेन पे ऑयल लगाया था, ऑयल लगाने की वजह से इसमें मिट्टी आ गई है। तो चलिए अब हम इस चेन को साफ कर लेते हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको चाहिए एक कपड़ा, कोई सा भी कपड़े से आप इस चेन को पूरी तरीके से साफ कर लीजिए। तो चलिए बाइक को गियर में डाल देते हैं ताकि व्हील ना हिले। गियर में डाल दीजिए। गियर में डालने के बाद में आप चेन को बिल्कुल पूरी तरीके से साफ कर सकते हैं अभी। तो चलिए चेन को साफ कर लेंगे पूरी तरीके से। आपकी चेन सूखी हुई है तो आप ऐसे ही कपड़े से साफ कर सकते हैं। आपकी चेन में ऑयल या फिर ग्रीस है तो उसको आप पेट्रोल से एकदम वॉश कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं मेरी जो चेन है बिल्कुल पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है और बिल्कुल एकदम साफ लग रही है चेन। अब इसमें ना तो मिट्टी है ना तो ऑयल है। तो चलिए अब चेन को स्प्रे कर देते हैं। तो स्प्रे को बाय करने के बाद में आपको इसमें एक पाइप मिल जाता है जो कि आपको अलग से लगाना होता है इस स्प्रे में। तो इस स्प्रे में लगा दीजिए उस पाइप को। लगाने के बाद में आपको इस चेन में हल्के से स्प्रे करना होगा, हल्के से प्रेस कीजिए इसको। ज़्यादा प्रेस करेंगे तो उड़ जाएगा, आपकी चेन पे नहीं आएगा क्लीन से। तो चलिए मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको चेन पे स्प्रे डालना होगा। डालकर व्हील को फिरा लीजिए, और आपके पास ऑयल या फिर ग्रीस है तो उससे डाल सकते हैं आप। लेकिन बाइक में जो है मिट्टी आ जाती है और आपकी चेन पैकेट जो है जल्दी चले जाती है। स्प्रे करने से आपका क्या फ़ायदा है बताऊं मैं आपको, आपकी चेन की जो लाइफ रहती है वो बढ़ जाती है, और जो उसके टीथ रहते हैं वो थोड़े से स्मूथ रहते हैं, वो शार्प हो जाने की वजह से आपकी चेन पैकेट चले जाती है और उसमें से साउंड एकदम शुरू हो जाता है। और चेन को स्प्रे करने से आप देख सकते हैं एकदम फ्री, एकदम स्मूथ साउंड आ रहा होगा, जो कि आप कभी भी थर्ड गियर में जाएंगे तो आपकी बाइक में साउंड आएगा। आप देख सकते हैं ये स्प्रे बिल्कुल एकदम अच्छा है। तो आप देख सकते हैं चेन बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से स्प्रे हो चुकी है। थर्ड गियर में जाएंगे तो आपको क्या होगा, उसमें से एक अलग से साउंड आएगा,
क्योंकि अभी स्प्रे करने से एकदम वो नहीं आएगा, स्मूथ चलेगी आपकी बाइक। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार सामने से, आप देख सकते हैं मैंने रिसेंटली इस चेन सॉकेट को चेंज किया था। आप मेरा वो वीडियो देख चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देता हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। रोलन कंपनी की चेन सॉकेट मैंने लगाई थी। तो चलिए आप चेन सॉकेट को टाइट कर देते हैं। तो आपको चाहिए एक 22 की रिंग से आपको ये जो एक्सल में लगा होगा नट, उस नट को लूज करना होगा। 11 मरतबा लूज कर लीजिए ये वाले नट को। उसके बाद में आपको चाहिए एक 32 का स्पैनर, आपको जो यहाँ पे GB का जो नट रहता है उसको भी लूज करना है आपको चेन को टाइट करने के लिए। बड़े आराम से हो जाएगा ये नट भी लूज। तो चलिए इस नट को भी लूज कर लीजिए, बड़े आराम से हो जाएगा। तो उसके बाद में आपको चाहिए एक 12-13 की रिंग, उससे आप क्या करना है ये जो एडजस्टर का नट है उस नट को टाइट करना है। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे 5 ये हैं, आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट के जो हैं, आपको व्हील अलाइनमेंट सेम रखना है। तो यहाँ पे भी 5 वहाँ पे भी 5 करना है। तो चलिए मैं इसको 3 मरतबा कर देता हूँ, क्योंकि मेरी चेन जो कि उतनी ज़्यादा भी लूज़ नहीं है उतनी कम भी लूज़ नहीं है, मैं 3 मरतबा कर देता हूँ। आपकी चेन ज़्यादा है तो आप 5 मरतबा कर सकते हैं। तो चलिए इस साइड में भी 3 मरतबा कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 5 आपको लग रहे होंगे, लेकिन अब चले आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 5 हैं एडजस्टमेंट के जो यहाँ पे लगे रहे हैं। तो फाइनली अब हमारी चेन टाइट हो चुकी है। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ फिर से एक बार, चेन को ज़्यादा भी मत टाइट कीजिए, क्योंकि आप डबल सेपरेट टेबल्स बैठेंगे तो आपकी चेन थोड़ी सी ऑटोमेटिक वही टाइट हो जाएगी वेट पड़ने की वजह से, तो उसमें से अलग से एक साउंड आएगा। तो चेन को दरमियानी हिसाब से टाइट कीजिए कि बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। सभी बाइक में भी सेम प्रोसेसर होता है, आपको बस उसके भी जो दो नट रहते हैं उस नट को ओपन लूज करना होगा। लूज करने के बाद में आपको दोनों नटों को सेम से टाइट करना होगा। चलिए अब हम इस नट को टाइट कर देते हैं। 32 के स्पैनर से वाले नट को टाइट कर लीजिए बिल्कुल पूरी तरीके से, एकदम आपको इस नट को कसकर टाइट करना होगा, क्योंकि ये जो नट है आपको लगा होता है GB के अंदर। तो आप देख सकते हैं नट बिल्कुल पूरी तरीके से लॉक हो चुका है। तो चलिए इस दूसरी साइड का भी नट को टाइट कर लेते हैं। तो 22 की रिंग से ही आपको टाइट करना होगा, ये वाले नट को भी टाइट कर लीजिए बिल्कुल पूरी तरीके से, इसको भी कसकर टाइट कर लीजिए। ये जो नट है आपको लगा होता है एक्सल के अंदर। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये नट बिल्कुल पूरी तरीके से टाइट हो चुका है। तो हमारी चेन भी बिल्कुल पूरी तरीके से टाइट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। आप इस चेन को 5 मरतबा फिरा कर चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपकी चेन जो है लूज है या फिर टाइट है। तो आप देख सकते हैं हमारी चेन तो बिल्कुल टाइट हो चुकी है। उसके बाद में चलिए अब हम चेन कवर को फिट कर देते हैं। चेन कवर को फिट करना बहुत ही आसान है, बस आपको चेन कवर को अंदर की तरफ थोड़ा सा डालना होगा और उसके जो होल रहते हैं बोल्ट के आपको उसको सेट करना होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको पहले सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद में ये जो चेन कवर है उसको अपर की चेन कवर के अंदर डालना होगा, डालने के बाद में वो जो है उसका लॉक रहता है वहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो चलिए इसके बोल्टों को डाल देते हैं, अभी जितना हाथ से टाइट होगा उतना टाइट कर लीजिए उस बोल्ट को डालकर। तो चलिए दूसरे बोल्ट को भी लगा देते हैं। आप हमारा वीडियो देखकर घर पे चेन को टाइट कर सकते हैं बड़े आराम से। तो चलिए ये वाले बोल्ट को भी टाइट कर देते हैं। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस बोल्ट को भी टाइट कर लेते हैं, दोनों बोल्ट को कसकर टाइट कर लीजिए 10 के स्पैनर से, जो कि बड़े आराम से हो जाएंगे दोनों बोल्ट। तो इसको भी एक बार कसकर टाइट कर लीजिए, उसके बाद में ये वाले बोल्ट को चेक कर लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं पहले जो चेन थी थोड़ी नीचे थी, अभी जो है बिल्कुल सेट हो चुके हैं। चलिए इसके लबर को भी लगा देते हैं। आपके पास लबर नहीं है तो इस लबर को आप लेकर लगा लीजिए, आपको लबर मिल जाएगा 20 रुपये में, जो कि इससे क्या होगा पानी या फिर बारिश का पानी जो भी आपकी धूल रहती है इसके अंदर नहीं जाती है, इस लबर को लगा लीजिए। एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़। और आप नीचे कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़।